अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देव, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई कम है। ये दोनों भाई बहन उस हवेली के मालिक बने बैठे हैं और मुझसे मजदूरी करा के मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी अपने मन से खर्च नहीं कर सकते। देख समर, बुरा मत बना भाई। इसमें ना उसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है, क्योंकि तू जोरू का गुलाम है। हमने तुझे पहले ही ऑफर किया था, आजा हमारे साथ पत्ते खेल और आजमा ले अपनी किस्मत। हमारे साथ रहेगा ना, अच्छा कमाएगा और बीवी के ना तानों से छुटकारा। हमें देख रहा है क्या? एक बाजी के दो कर चुके हैं और आज ट्रिपल करने जा रहे हैं। देख, नहीं यार, ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है और ना ही ये मुझे जो भी खेल है खेलना आता है। ऐसे में कुछ हो गया तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। अब देख, मेरा तो समझाने का काम था, पर एक बात याद रखना, जो लोग किस्मत आजमाते नहीं है ना, वो लोग जीत का स्वाद भी नहीं चखते। मगर सोच, अगर जैकपॉट लगा तो राजा जैसी जिंदगी जिएगा मेरे दोस्त। छोड़ना इसको, ये बीवी की गुलामी में ही खुश है। ये फिजूल के खर्चे करते वक्त आपको जरा भी एहसास ना हुआ कि इनसे ज्यादा घर की चीजें जरूरी है? ये सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है लगाने के लिए। कितने रुपए? तो 2000 बहुत है, हम संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? संभाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चल चल आजा, चल चल आजा आजा आजा। अरे रामू काका। जी बेटिया। समरसा को देखा कहीं? दिखाई नहीं दे रहे। समरसा को मैंने आंगन में घंटे भर पहले देखा था, वो अनाज के बोरी के पास। जी, जी। बेकार ही गुस्सा किया, मुझे उन्हें समझना चाहिए था। ये सब उनके लिए भी तो उतना ही नया है जितना कि मेरे लिए है। मुझे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। कहाँ गए वो? पता करती हूँ। पाऊंगी।
शिवा ने मारा ये वाला पता भी ढूंढ निकाला है। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जो आज के आज ही असर दिखाए। ये जगह हमारे लिए रहना सही ना है, कोई नई जगह ढूंढनी है। हवेली में वापसी मुबारक हो चकोरी रानी। रसाल, तरुप, ये हुआ। ऐसी हालत में क्या कर रही है छोरी? इस राजमहल जैसे घर में तेरी देखभाल करने वाला कोई है ना का? मैं हूँ यहाँ अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए। तब कटे था जब तेरे बहन के ऊपर यह अनाज की बोरी गिरने वाली थी। हाँ भाई सा, वो ना मैं समरसा को ढूंढने निकली थी, अचानक से ये अनाज की बोरी मेरे ऊपर आ गिरी। वो तो भला हो इनका जो इन्होंने मुझे और छोटी रसाल दोनों को बचा लिया। अरे घड़वा बारा ब्रो, तू ठीक है ना लटो? लगी तो ना? तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं था ना। मैंने बापू सा से वादा किया था कि थारा हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन आज हमारे से चूक हो गई, माफ कर दे मारे को। हाँ भूल तो हुई है, घटना घटी ना है, इसलिए आपको घटने की गहराई का अंदाजा ना है। ये छोरी पेट से है, लेकिन इसे देख के ऐसे लगे है कि कोई है ना इसके लिए। आप सबकी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, पर मैं देख रही हूँ कि ये छोरी तो खुद को ही अकेले संभालने में लगी है। दाई हूँ मैं, मुझे जच्चा और बच्चा का हाल ना छुपता। घड़ो आवारा परो भाई सा, आज आपने मारी बैंड को बचा के मारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये रखिए, ये पैसे अपने पास रखो, पैसों की भूख ना है मुझे। इस दाई के पास किसी चीज की कमी है तो वो है छत और रोटी। अगर आप लोग कहो तो मैं किसी की सेवा करने का काम कर सकती हूँ, और काम में किसी को शिकायत का मौका ना दूंगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।